नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। मैं हूं आपके साथ मधु सिंह। शुरुआत करते हैं रात 9 बजे तक की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले खबरें महानगर की। ममता बोली, अभिषेक समेत तृणमूल नेताओं पर हमले के पीछे शाह का हाथ, पर हम इससे डरने वाले नहीं। कोलकाता के SSKM अस्पताल में इलाज करा रहे घायल तृणमूल कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि बिप्लव देव में वह हिम्मत नहीं कि हमला करवा दे। हम अभिषेक और अन्य पार्टी नेताओं पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। আমি একটা এমপি দের টিম পাঠিয়েছিলাম, তাদের এয়ারপোর্টের বাইরে তাদের ঢুকতেই দেওয়া হয়নি। এমনকি ত্রিপুরায় যারা গেছে পর পর দেখেছেন, অভিষেক গেছে, ওর গাড়িতে যেভাবে মারা হয়েছে, পরে ওরা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে একটা বুলেট প্রুফ কার্ড দিয়েছিল। তার নাহলে যদি এমনি গাড়ির কাজ হতো, ভেঙে চুরমার হয়ে ওর মাথাটাও চুরমার হয়ে যেতে পারত। এবং সবটাই পুলিশের সামনে হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে হয়েছে। दिल्ली में तृणमूल सांसदों ने गांधी मूर्ति के सामने दिया धरना। त्रिपुरा में लोकतंत्र की मांग करते हुए तृणमूल सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के नेतृत्व में पार्टी के सभी सांसदों ने धरना दिया। इस दौरान भाजपा सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए गए। बीजेपी त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस का ऊपर हमला क्यों हुआ? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जवाब दो। CNG बस का उद्घाटन करने गए राज्य के परिवहन मंत्री फिरहाद हकीम बस की स्टीयरिंग हाथ में लेकर बैठे ड्राइवर की सीट पर। केवल इतना ही नहीं, कोलकाता की व्यस्त सड़क पर फिरहाद को कुछ समय के लिए बस चलाते हुए भी देखा गया। सोमवार को कस्बा के परिवहन भवन के पास एक डिपो में कोलकाता की पहली CNG बस का उद्घाटन फिरहाद हकीम ने किया। पेश है हमारे वरिष्ठ संवाददाता संदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण अलग अलग उपाय परिवहन विभाग अपना रहा है। अब इसी क्रम में वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने उतारी है CNG बस। इसका उद्घाटन किया राज्य के परिवहन मंत्री फिरहाद हकीम ने कस्बा मोटर व्हीकल कार्यालय से। उन्होंने कहा कि देखा जा रहा है कि डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण काफ़ी घाटे का सामना जो है करना पड़ रहा है। ऐसे में CNG बस को प्रायोगिक तौर पर उतारा गया है और यदि यह सफल रहती परियोजना तो आने वाले दिनों में और भी CNG बसों को उतारने की योजना वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की है। खबर एक्सप्रेस के लिए कस्बा। मुख्यमंत्री के विरोध के कारण बंगाल के किसान वंचित हो रहे हैं। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में कटमनी और दलाल राज को प्रश्रय दिया जा रहा है। जिलों से जुड़ी खबरों पर एक नजर। खुल गई हावड़ा की हनुमान जूट मिल। लगभग 2 महीने से ये जूट मिल बंद थी, जिसे सोमवार से खोला गया। इससे यहाँ काम करने वाले श्रमिक काफी खुश नजर आए। पेश है हमारी वरिष्ठ संवाददाता मेघा सुरोलिया की रिपोर्ट। आप देख सकते हैं कि हनुमान जूट मिल का गेट अब लगभग खुल चुका है और यहाँ पर जो करीब 3,000 श्रमिक काम करते थे वो गेट के अंदर जा चुके हैं और अपना काम शुरू कर चुके हैं। दरअसल ये कार्य सफल हो पाया है इलाके के विधायक गौतम चौधरी के नेतृत्व में। जब से बंद था तब से ही इलाके के विधायक का ये प्रयास था कि मिल को दोबारा कैसे खोला जा सके या कैसे खोलने का प्रयास किया जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयास से और उनकी प्रेरणा से ही वे इस मिल को खोलने के लगातार प्रयत्नशील में थे और अंत में आज सोमवार को मिल के गेट को श्रमिकों के लिए खोल दिया गया। वहीं गेट खोलने के बाद ही मिल के श्रमिकों के चेहरों पर खुशी की लहर है और सभी यही दुआ कर रहे हैं कि उनके इस काम का जरिया जो है वो कभी बंद ना हो। कैमरामैन दीपक के साथ मैं मेघा, खबर एक्सप्रेस। आगरपाड़ा में गृहवधु से बदतमीजी। ये घटना पानीहाटी के 6 नंबर वार्ड स्थित आगरपाड़ा तेतुल तल्ला के हरिमोहन चैटर्जी रोड की है। गृहवधु शिखा दास से मारपीट व बदतमीजी का आरोप उसके पड़ोसी गैजेटेड ऑफिसर सव्यसाची भट्टाचार्य के खिलाफ है। BSF ने 2 तस्करों को दबोचा। BSF के खुफिया शाखा की विश्वसनीय सूचना पर 2 तस्करों को सीमा चौकी पन्नापुर के इलाके से गिरफ्तार किया गया। तस्कर तारबंदी के नजदीक गांजा छिपाने आए थे। इससे पहले कि दोनों तस्कर अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, BSF के जवानों ने दोनों तस्करों को पकड़ लिया और 2 किलोग्राम गांजा भी जब्त किया। हावड़ा में माकपा की ओर से कानून उल्लंघन का आयोजन किया गया। इस दौरान माकपा समर्थकों ने गिरफ्तारियां भी दी। Yeah, you know, come on, 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 come
अब रुख करते हैं देश विदेश की खबरों की ओर। पदक वीरों का हुआ स्वागत। नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया, रवि दहिया और हॉकी प्लेयर्स दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, बैंड बाजे से किया गया स्वागत। राज्यों को ओबीसी लिस्ट में संशोधन का अधिकार। 127वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश। 20 दिन से पेगासस जासूसी पर चर्चा को लेकर अड़े विपक्ष को सरकार के साथ आना पड़ा। सभी खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्ट्रीट। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।